हेलो गाइस, आप सब सही होंगे, सेफ होंगे। नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सस्ता धारा से, जो एक देहरादून में है। ये एक विजिट पैलेस भी है, यहाँ पे बहुत विजिटर आते हैं यहाँ पे, और गर्मी के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे गर्मी और सर्दी में कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर ही, तो कभी भी घूम सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर घूमने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि एक टूरिस्ट पैलेस है। और आप देख रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर पहाड़ों के बीच से पानी आता है, झरने देख लो, दिखाता हूँ मैं आपको अभी कहाँ कहाँ से यहाँ पे पानी कैसे कैसे आ रहा है। और ये पानी बहुत ही साफ है, ये भी नहीं है कि गंदा है, बहुत अच्छा पानी है। और यहाँ पर नहाने का और तैरने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आप ये यहाँ पर ट्यूब वगैरह भी मिलती है, ये देखो ये ट्यूब वगैरह भी मिलती है यहाँ पे, तो आप इनको किराए पर ले सकते हैं। और ये देखो भाई, इस बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि एक ये बहुत अच्छी जगह है और आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये सर्दी गर्मी ओपन ही रहता है ज़्यादातर। और फिर जैसा कि आप यहाँ घूमने के लिए आए हो कहीं बाहर से, तो आप यहाँ पर रूम वगैरह भी रेंट पर ले सकते हो, यहाँ पर रूम वगैरह की सुविधा भी है। और इसके पास में भी वैसे भी घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आप ये देख सकते हो। इसी के पास में फिर माल देवता है, माल देवता वहाँ पर भी जा सकते हो आप। और देखो कैसे कैसे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लोग, ये देखो कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे। तो बहुत अच्छी जगह है यार, आओ ना, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, आओ और ठहरना भी सीखो अच्छे से। कई बात तो ये है कि आप ठहर भी सकते हो, जैसे यहाँ से ट्यूब वगैरह किराए पर मिल जाती है ठहरने के लिए, तो आप इंजॉय कर सकते हो। ये नहीं है कि कभी से कभी भी आ सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है। जब आओ तभी बहुत अच्छी, तो गाइस आप कभी भी आ सकते हो, नो इशू। और जैसा कि आज मेरा ये थर्ड ब्लॉग है, अभी शुरुआत है, प्लीज़ आप सब हेल्प करो, तो एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे तो आप सबके सपोर्ट से सही रहेगा। प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो चैनल को, क्योंकि इससे हिम्मत बढ़ती है ना, हिम्मत बढ़ेगी तभी तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। अब वो भी सिर्फ आपके लिए, आप जितना प्यार दिखाओगे उतना ही अच्छा है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप तो फैमिली हो। देखो अब आप ये देखो यहाँ पर कैसे कैसे पानी आता है, ये देखो, फुल इंजॉय करो यहाँ पर आके, कभी भी आ सकते हो। ये देखो, और ये भाई तो ऐसे ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये देखो, और ये देखो हमारे गरीब भाई कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ये नहा नहीं रहे हैं, नहाते हुए को देख रहे हैं, ये देखो। अच्छी जगह है वैसे तो, आप कभी भी आ सकते हैं। तो गाइज ये देखो, ये ट्यूब है, इसे किराए पर लो और तैरना सीखो। आओ तुम सब साथ में तैरना सीखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। रूफ वे है, मतलब जैसा कि आप यहाँ पर घूमने आए हो, तो आप इस ट्रॉली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये देखो, तो यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, कोई कोई भी इशू नहीं है, फैमिली के साथ आओ, इसके साथ आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नो इशू। और ये देखो बच्चे भी नहा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो कैसे कैसे इंजॉय कर रहे हैं लोग, दिख रहे हैं आपको, ये देखो ट्यूब से कैसे कैसे पानी कर रहे हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो थोड़ा चल गए ना आगे, तो यहाँ पर पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है ना जैसा,
तो ये गिर रहा है नीचे। बहुत अच्छी, देखो ये देखो, सो ब्यूटीफुल यार, यार भाई तो लगे हुए हैं, ये देखो। हाँ बस यही है, अब इंजॉय करो फुल पानी में, बहुत ही अच्छी जगह है यार। तो जैसा कि मेरा ये आज थर्ड ब्लॉग है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो सभी, और आपके सपोर्ट से ही तो सब कुछ होगा। सपोर्ट करो यार प्लीज़, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तब मैं और अच्छा कर पाऊँगा, उससे हमें हिम्मत मिलेगी। ये देखो यहाँ पे सब आते हैं, लड़कियाँ लड़के कपल्स वगैरह सब इंजॉय करते हैं, तो आप भी आ सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई से पानी आता है, ये पहाड़ों के बीच से, और आप सब देख ही रहे होंगे। और ये देखो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई ये